हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो मुझे जस्ट लगा कि चलो आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि अभी का जो टाइम चल रहा है, आप जानते ही हो कि डिसअपॉइंटमेंट वाला टाइम चल रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन वाला टाइम चल रहा है, फियर वाला टाइम चल रहा है, सब जगह से नेगेटिविटी दिख रही है हमको हर जगह। ठीक है, चलो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बस आप घर में रहिए, केयर कीजिए, फैमिली का केयर कीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कितना भी मीडिया में दिखाया जाए, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे एम भी नहीं है हमारे सिटीज़ में, हमारे हॉस्पिटल में, यकीन मानिए जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। वर्स्ट मतलब वर्स्ट बोल रहा हूँ, है ना, एकदम वर्स्ट है। बिना सोर्स के लोग लेंगे नहीं, जब तक क्रिटिकल केस नहीं होगा, जब तक कोई घर में घर वाला जो भी आपके फैमिली का कोई मेंबर होगा, जब तक कि ऐसा ना लगे कि मरने वाला है, तब तक आपको कोई एडमिट भी नहीं करेगा। सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, मतलब मानो या ना मानो, लेकिन सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। या फिर आप एक्स्ट्रा पैसे दो, 2-3-4 लाख रुपए लगाओ, उसके बाद वो आपको एडमिट करेंगे, अदरवाइज इतनी ईजिली एडमिट नहीं करेंगे। थोड़ा भी लगेगा कि मर नहीं सकता है तो एडमिट नहीं करेंगे, भले चाहे फिर घर ले जाते तक चीज़ें चेंज हो जाए। ये सिचुएशन है और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि इसके साथ हमको जीना पड़ रहा है। बट ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम में आपको अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है, अपने आप से बात करने का मौका मिल रहा है। और ऐसा जो टाइम है बहुत ही कम आता है, बिकॉज हमारी ज़िंदगी चलते रहती है, हम ज़िंदगी में बिजी है, हम जिंदगी में इतने बिजी है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम कुछ लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हमको अपने बारे में एनालिसिस करने का, कभी अपने अंदर झांकने का मौका बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि वी आर द बेस्ट। हर व्यक्ति यही मानता है, हर व्यक्ति मानता है कि आई एम 100% करेक्ट पर्सन, हर व्यक्ति यही मानता है, इसमें कोई बात नहीं है। तभी तो इतना सारा ईगो और इतनी सारा चीज़ें रहती है, क्योंकि व्यक्ति मानता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला मानता है मैं सही हूँ। अब कौन डिसाइड करेगा कौन सही है, ऐसा तो कुछ डिसीजन होता नहीं है। तो सब लोगों को लगता है कि सब लोग सही है, लेकिन ये अच्छा टाइम है। क्या अच्छा टाइम है? अपने बारे में जानने का। बाकी कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोला ना कि ये वर्स्ट टाइम है फैमिली के लिए, हमारे लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए, पूरा मेडिकल इमरजेंसी लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्सनल बात करूँ, इंटरनल पैरामीटर्स की बात करूँ खुद के, तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किन लोगों के साथ गलत किए हो। ये आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा कि मेरी वीकनेस कहाँ है, कहाँ एक्चुअली मैं लैक कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है मेरी ज़िंदगी की। और अगर बहुत अच्छे से थोड़ा सा इनडेप्थ जाओगे तो हर व्यक्ति को पता होता है कि वो किसके साथ गलत किया है, मतलब चाहते हुए या अनजाने में गलती किया। लोग करते हैं, और इन जनरल लोग कभी सामने वाले को बोल भी नहीं पाते, सॉरी भी नहीं बोल पाते, जिंदगी में बिजी रहते। और बहुत सारे लोग का मैं जब पढ़ता हूँ तो उसमें आता है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जब रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं बचते जिनको हमको सॉरी बोलना है, यकीन मानिए कुछ लोग इस दुनिया में नहीं बचते, क्योंकि हमको 20 साल बाद लगेगा कि यार मैं गलत था। जब 20 साल बाद उसको सर्च करोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति, वो लड़का, वो लड़की इस दुनिया में ना हो। ये बड़ा ही ऐसा है, ऐसी ही जिंदगी है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अगले आने वाले जो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, बहुत उनको जब रियलाइज होगा कि क्या गलतियां हुई है, क्या गलती हम किए हैं, क्या गलती अनजाने में हो गई, सिचुएशन वैसी थी, क्या हम लोगों को धोखा दिए, क्या हम डिच किए, किसका फायदा उठाए, ये सब चीजें होती है। क्योंकि प्रेजेंट में कहाँ किसी को पता चल पाता है, हर व्यक्ति दौड़ में शामिल है, हर व्यक्ति कुछ चाहने की चाह में भाग रहा है। इनडेप्थ कौन सोचता है अपने बारे में कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अभी तो इन जनरली लोगों को बस ये है कि अपना फायदा क्या है, किन तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किन तरीके से मैं पैसे कमा सकता हूँ, किन तरीके से मैं जिंदगी को अच्छे से जी सकता हूँ, चाहे उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देना पड़े, मेरा फ्यूचर स्कोप क्या है, किन लोगों के साथ मेरे फ्यूचर स्कोप है, मेरा जो पार्टनर है उसके साथ फ्यूचर स्कोप है या नहीं है। तो लोग चेंज होते जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों को सॉरी बोलना चाहते नहीं बोल पाते, कभी कभी दम नहीं पड़ती, कभी हिम्मत नहीं होती,
और कभी टाइम मिला ही नहीं। तो अभी आप घर में बैठे हो, पढ़ भी रहे हो, 16 घंटे तो पढ़ नहीं रहे होंगे, अब 1 घंटा डेली निकाला करो अपने आप के लिए, थोड़ा सा लिखो, 1 घंटा डेली, 1 घंटा निकालना चाहिए अपने बारे में जानने के लिए। किसी को सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप मैसेज कर दिए कि यस सर सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को करना पड़ा गलत, या अपने फ्रेंड को आप सॉरी बोल दिए। अपने अराउंड में आप इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो, एटलीस्ट खुद को तो पॉजिटिविटी वाले पार्ट में रखो, जिंदगी में जरूरी है। इससे ना, इससे बहुत मन का जो अंदर का जो होता है ना, थोड़ा सा लाइट लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। कभी किसी को ना, जैसे बोलते ना लोग गुस्से में किसी को गाली दे दो उसके बाद थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग, वैसे ही आपको अगर पश्चाताप है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने इतना गलत किया, आप एक मैसेज कर सकते हो, कॉल करना आसान नहीं है तो मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको ना अच्छा फील होगा कि मैं अपनी बातों को रख दिया, 4 लाइन का एक मैसेज कर दिया, आपको हमेशा अच्छा फील होगा, यकीन मानिए आप अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाओगे और आने वाली जो जर्नी होगी आपको, आपको हमेशा बताते रहेगी कि आप एक अच्छा इंसान बनते जा रहे हो। तो अच्छा इंसान बनने का जो प्रोसेस है उसको अच्छा कैरी करो। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग एक अच्छे इंसान बनो। मिस्टेक सब लोग करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है, मिस्टेक होने में प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उससे इंसान बेटर होता है। वो इंसान बेटर नहीं है जो गलती नहीं करता, गलती नहीं करेगा तो वो तो इंसान ही नहीं होगा, भगवान हो जाएगा। गलती करने के बाद एक्सेप्ट करना, उसको करेक्ट करना, उसे लर्न करना, यही इंसानी फितरत होना चाहिए और इसी के साथ इसी तरीके से जीना चाहिए हमको। चलो ठीक है, आज का गुड मॉर्निंग मंत्र जो है वो काफ़ी था यही वाला, ठीक है। चलो अच्छे से अपना केयर करो। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।